दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार प्रीता पहुंच जाती है ऑफिस के अंदर, करण के ऑफिस के अंदर, और वहां पर सॉरी इस समय अपने फादर यानी करण से बोलता हुआ नजर आ रहा है कि अगर किसी वजह से तुमने इसको सेलेक्ट किया इस ऑफिस में अगर राज भी रहा तो ये सोच लेना कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में एक नहीं बल्कि कई कई ट्विस्ट भी देखने को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये ट्विस्ट कोई वैसे नहीं बल्कि इस समय बहुत ही अलग तरीका से देखने को मिल रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा टेंशन में आखिरकार इसीलिए ही नज़र आ रहा है करण की, वो बताए तो बताए कैसे कि राजवीर किसी और का बेटा नहीं है बल्कि राजवीर भी उसी का ही बेटा है। लेकिन दोस्तों आखिरकार करण की आवाज़ आई कि उसने प्रीता को सुना, लेकिन दोस्तों प्रीता को वहाँ से राजवीर भगा देगा, और भगाने के बाद में कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट आ जाएगा। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि एक नहीं बल्कि इस समय कई कई ट्विस्ट भी देखने को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार करे तो करे क्या, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि इस समय करण और प्रीता को अलग करने के लिए राजवीर इतना एफर्ट क्यों कर रहा है। क्योंकि दोस्तों राजवीर का मानना अपनी जगह बिल्कुल अलग है, क्योंकि राजवीर प्रीता को इसलिए अलग कर रहा है क्योंकि जब सबसे ज़्यादा मुसीबत का समय था, जब इन लोगों ने साथ नहीं दिया था लूतराज लोगों ने, लेकिन आखिरकार निधि शौर्य से सब कुछ करा रही है दोस्तों, क्योंकि निधि का ही पूरा प्लान था कि किसी भी तरीका से इस ऑफिस में करण ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसे शक हो चुका है कि करण किसी और का बेटा नहीं है बल्कि ये तो प्रीता का ही बेटा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि प्रीता का बेटा होने के बाद में इस समय कहानी में ट्विस्ट बदल जाएगा। दोस्तों साथ ही आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके जरूर बताइए गाइस। थैंक यू सो मच।